नमस्कार, मैं आयुषी जैन, घमासान.com में आपका स्वागत है। आज से हम ओपन माइक की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नंदिनी शर्मा। इन्होंने कई सारी कविताएं लिखी हैं, इसके साथ इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। उस पुस्तक का नाम है स्त्री आत्मकथाओं का अनुशीलन। तो आइए शुरुआत करते हैं इनकी कविताओं के साथ। नमस्कार, मेरी ये जो कविता है नारी पर केंद्रित है और इसका शीर्षक भी है नारी। आज के समय में जो नारी की स्थिति है, चाहे वो शिक्षित है या अशिक्षित, उस स्थिति को मैंने इस कविता में व्यक्त करने का प्रयास किया है। तो मैं अपनी रचना का पाठ करती हूँ। नारी के अधिकारों की बातें अक्सर होती हैं, नारी के अधिकारों की बातें अक्सर होती हैं, पर क्या केवल बातों से ही उसकी पीड़ा मिटती है? पर क्या केवल बातों से ही उसकी पीड़ा मिटती है? सक्षम और शिक्षित होकर भी कितनी पीड़ा सहती है, सक्षम और शिक्षित होकर भी कितनी पीड़ा सहती है। हर जगह झुकाई जाती है संस्कारों की मारी नारी, हर रोज तमाशा बनती है वो कभी नगर कभी गांवों में, हर रोज तमाशा बनती है वो कभी नगर कभी गांवों में, हर जगह दमन होता है उसका, कठपुतली समझी जाती है नारी। लड़ती है जब वो अपने हक में, लड़ती है जब वो अपने हक में, जब आवाज़ उठाती है फूलों से मसली जाती है वो इस पुरुष प्रधान जमाने में, फूलों से मसली जाती है वो इस पुरुष प्रधान जमाने में। रिश्तों को आड़ में रखकर शोषित होती अपनों से ही, रिश्तों को आड़ में रखकर शोषित होती अपनों से ही, वस्तु या कोई चीज़ समझकर क्रय विक्रय की जाती है, वस्तु या कोई चीज़ समझकर क्रय विक्रय की जाती है। नारी के अधिकारों की बातें अक्सर होती है, पर क्या केवल बातों से ही उसकी पीड़ा मिटती है, पर क्या केवल बातों से ही उसकी पीड़ा मिटती है। ये जो मेरी कविता है वो इन छोटी छोटी बच्चियों के लिए है जिन पर बहुत सारी ज्यादती हो रही है। आज के समय में हम देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ने में आता है कि छोटी छोटी दूध मुही बच्चियों के साथ किस तरह से ज्यादती की जाती है। आज का मानव दानों से भी बदतर हो गया है। उस तरह की जो घटनाएं हम देखते आ रहे हैं उसके आक्रोश के रूप में इस कविता को मैंने लिखा है, जिसका शीर्षक है अब बहुत सहलिया अत्याचार। छोटी छोटी कन्याओं का बहुत हुआ शिकार, छोटी छोटी कन्याओं का बहुत हुआ शिकार, कर उनका संहार किया जिसने मानवता का बलात्कार, कर उनका संहार जिसने किया मानवता का बलात्कार। कैसे हैवान हो गए हैं लोग, कैसे हैवान हो गए हैं लोग, हवस के भूखे शैतान दूध मही बच्चियों को भी अब तो बनाने लगे अपना शिकार। फूलों से कोमल मासूम कलियों का जिसने किया शिकार, फूलों से कोमल मासूम कलियों का जिसने किया शिकार, छिन्न भिन्न कर फेंक कचरे में, छिन्न भिन्न कर फेंक कचरे में, भक्षक का तू कर दे दबा, रणचंडी बन कर संहार, रणचंडी बन कर संहार, कर दे छिन्न भिन्न अंगों को उनको, नपुंसक बनाकर उन भैंसियों को फेंक दे चौराहे पर मरने, ले प्रतिशोध जीना दुभर कर, ले प्रतिशोध जीना दुभर कर, जिसने छीना ममता को दे, हे नारी बन तू सब पर भारी, हे नारी बन तू सब पर भारी, अब ना रहे तू बेचारी, माँ काली बन संहार कर, माँ काली बन संहार कर, अब बहुत सहलिया व्यभिचार, अब बहुत सहलिया अत्याचार, अब बहुत सहलिया अत्याचार। मेरी कविता का शीर्षक है बारिश। बारिश आई बरखा लाई, रिमझिम रिमझिम बारिश आई, काली भूरी और मटमेली घनघोर घटाएं फिर है छाई, आसमान का देख नजारा चारों ओर खुशहाली छाई, अन्नदाता लगे झूमने मन ही मन मुस्काए हैं, बारिश के स्वागत में कोयल ने सुंदर गीत सजाए हैं, बारिश के बौछारों में मदमस्त मयूर थिरकता जावे हैं, पपीहा टेर लगाए हैं मन मयूर नाच दिखलावे हैं, मन फिर बच्चा बन जाए हैं, पानी बाबा आया ककड़े भुट्टा लाया फिर गीत याद हो आए हैं, कागज की नौका फिर से तेराने का दिन आया है, गर्म पकौड़ी चाय की प्याली आज छक्के मौज उड़ाई है, इंद्र देवता धरती माँ को अमृत पान कराए हैं, धरती माँ को भी बारिश ने हरी भरी चुनर उड़ाई है, बारिश आई बरखा लाई रिमझिम रिमझिम बारिश आई। मेरी कविता का शीर्षक है चाहती हूँ। कुछ पल के लिए कुछ क्षण के लिए चाहती हूँ एकांत, कुछ पल के लिए कुछ क्षण के लिए चाहती हूँ एकांत, कुछ समय अपने लिए अतिशेष चाहती हूँ, मैं अपने अक्स से रूबरू होना चाहती, उड़ना चाहती हूँ मैं भी एक आजाद पंछी की तरह, चहकना चाहती हूँ नीले पीले लाल गुलाबी सतरंगी रंगों से
भरना चाहती हूँ अपने सपनों में रंग, जीना चाहती हूँ उन पलों को जिन पर सिर्फ मेरा और सिर्फ मेरा हक हो। सारे रिश्ते नातों से परे मैं सिर्फ अपने आप से बनाना चाहती हूँ एक प्यार भरा रिश्ता। अपने आप से पूछना चाहती हूँ अपनी खैर खबर, अपनी ख्वाहिशों को फिर से जीना चाहती हूँ मैं, फिर अपने आप को एक इंसान बना देखना चाहती हूँ। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.